हमें एरिया निकालना क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस का, और हमें पी एस 9 दिया गया है और क्यू आर 18 दिया गया है। हम क्या करते हैं क्यू पी और आर एस को प्रोड्यूस करते हैं और मानते हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट ए पर। ये 150 दिया गया है, 150 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया गया है और ये भी 60 डिग्री दिया गया है। ये मान ले पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करते हैं। ए क्यू आर एक ऑल्सो ट्राइंगल है, ए क्यू आर, अब एंगल क्यू 60 डिग्री है और एंगल आर भी 60 डिग्री है, तो एंगल ए भी 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब एंगल ए पी एस और एंगल एस पी क्यू एक लाइनियर पेयर बना रही है, तो ये एंगल ए पी एस 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल सॉरी ट्राइंगल ए पी एस में ए 60 डिग्री एंगल है और एंगल पी 30 डिग्री है, तो एंगल ए एस पी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ए एस और पी एस का रेशियो 10 30 डिग्री हो जाएगा। ए एस हमें पता नहीं कितना है, पी एस हमारे पास है 9, ये हो जाएगा 10 10 1 बाय अंडर रूट 3, तो ए एस आ जाएगा हमारा 9 ओवर अंडर रूट 3 जो हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। अब ए एस हमारे पास आ गया 3 अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे ए क्यू आर जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर निकालेंगे और फिर उसमें से ए पी एस माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय 4 इंटू कोई भी साइड का स्क्वायर, सारी साइड बराबर होती है, तो 18 का स्क्वायर 18 टाइम 18 इक्वल टू 81 अंडर रूट 3। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस, ये एंगल ए एस पी 90 डिग्री है, तो हम एरिया निकालेंगे ए एस 1 बाय 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस हो जाएगा 1 बाय 2 टाइम्स बेस पी एस 9 टाइम्स हाइट ए एस, जो ए एस हमारी 303 है, हो जाएगा 27 टाइम्स अंडर रूट 3 बाय 2। अब हमें एरिया निकालना है पी क्यू आर एस का, तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर नेगेटिव ए पी एस, एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर नेगेटिव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस इक्वल टू 81 अंडर रूट 3 नेगेटिव 27 अंडर रूट 3 बाय 2। एरिया ऑफ ए क्यू आर ये रहा और एरिया ऑफ ए पी एस ये रहा, ये आ जाएगा आपका 135 अंडर रूट 3 बाय 2।